So, let guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के V5 Yes डिवाइस के अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग्स का यूज कैसे कर सकते हो। दैट मींस अगर आपको एक स्क्रीन यूज कर रहे हो, आप उसके साथ दूसरा स्क्रीन यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो गाइज। हालांकि जो है फोन है ओल्डेस्ट है और उसके अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स नहीं मिलता। बट डोंट वरी गाइज, हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन जिसकी मदद से अपने फोन के अंदर इजिली स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो। तो चलो हम डेमो कर लेते हैं और दिखाते हैं कौन सा एप्लीकेशन है एंड गाइज आप फोन के अंदर उसे कैसे यूज करेंगे। सो गाइस, जैसा कि यहां पर हमारा डिवाइस है, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर। हालांकि उस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक दे दूंगा या फिर आप सीधा प्ले स्टोर में जाना और आपको सर्च करना है मल्टी विंडो, ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा जिसकी हम बात करें डाउनलोडिंग की तो 5 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। रेटिंग भी यहां पर इसकी काफी अच्छी है, 4.2 की रेटिंग है और ये जो है इजिली आपको 2-3 MB में मिल जाएगा तो अच्छी तरीके से आपके फोन में वर्क करेगा। तो ये डाउनलोड कर लेना, सिंपली हम ओपन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे फोन के अंदर ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो सिंपली ओपन करेंगे। अभी गाइस यहां पर अलाउ करने के लिए आ रहा है तो हम अलाउ कर देंगे। इसके बाद में एक बटन मिलता है, इस बटन को हमें ऑन करना होगा तो हमने इस बटन को ऑन करा। हमारे पास जैसे इस बटन को ऑन किए गाइस, जस्ट यहां पर कुछ और अलाउ करते हैं परमिशन को और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे एक एरो बटन मिल रही है। इस बटन का ही मेन इंपॉर्टेंट यूज है, आपको यहां से कट कर देना। आपको इस एरो को तब 5 सेकंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद ही आपको इसका जो है करना है यूज, क्योंकि ये 5 सेकंड लग जाता है इसको फिक्स होने में। मैंने ट्राई करा था काफी बार, ये इंस्टेंटली काम नहीं करता, 5 सेकंड अराउंड आप जो है वेट कर लेना। जैसे कि हो चुका होगा 5 सेकंड, आप मैं आपको इसका यूज दिखाता हूं। देखो आपको इस तरह से आपको बाहर की साइड इस एरो को खींचना है। जैसे आप यहां पर करेंगे आपके पास इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे जहां पर आपको एक पावर बटन मिलता है जो आप यहां पर देख सकते हो और दूसरा एक प्लस का सिंबल मिलता है। सबसे पहले हम प्लस वाले की बात करेंगे। यहां पर हम प्लस करेंगे कोई एप्लीकेशन, दैट मींस यूट्यूब, मैक्स प्लेयर, व्हाट्सएप सेव कर देंगे। अब गाइस हमने क्या करा है, हम कुछ एप्लीकेशन को बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऐड कर दिया है, लेकिन गाइस हम चाहते हैं यूट्यूब और मैक्स प्लेयर दोनों साथ में चले, क्या पॉसिबल है? नहीं गाइस, आपको जो ये बटन है पावर वाला इसको ऑन करेंगे तो कुछ एप्लीकेशन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐड है तो बाय डिफॉल्ट वाले ऐड को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ना कि हमने जो ऐड करा है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें वीडियोस देखनी है अलग से तो वीडियोस का हम एक लेयर ले लेंगे, इसके बाद फाइल मैनेजर का ले लेंगे, अगर हम चाहे तो गैलरी का भी यहां पर चूज कर सकते हैं गाइस। अब क्या होगा, अब हम अगर इसको ऑफ कर दें तो अगर हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं तो अब क्या होगा, देखो यूट्यूब यहां पर वीडियो मैनेजर, फाइल मैनेजर और यहां पर जो हमारा गैलरी था उस सारा का सारा यूज आप कर सकते हो। देखो यूज करने के लिए आ रहा, हालांकि मैंने यूट्यूब पे पासवर्ड लगाया इसलिए नीचे है पासवर्ड, मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको ताकि आप जो समझ पाए अच्छी तरीके से। देखो मैंने पासवर्ड एंटर करा, हमारा यूट्यूब ओपन हो चुका। अब इसको हम इस तरह से ड्रैग कर इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा या फिर आप इस तरह ड्रैग करके छोड़ देंगे। आप इस तरह से देखो ये भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है। अब इन दोनों को हम इजिली कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। हालांकि जो आप बाय डिफॉल्ट ऐड करेंगे उस पर स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर सकते, लेकिन जितने एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड है हम उस पर स्प्लिट स्क्रीन इजिली कर सकते हैं। और गाइस इसके अंदर कुछ और चीजें मैं आपको अभी बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर इस तरह से जब आ जाएंगे, अगर आपको इसे फुल करना है थोड़ा सा और बड़ा करना है, अगर आपको छोटा दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा करना चाहे तो आप इस वाले एरो को पकड़ के इस तरह से नीचे डाउन करेंगे तो ये जो है बड़ा होता जाएगा। तो ऐसे यूज करना, ऑलमोस्ट हमने आपको सारी सेटिंग्स इसके अंदर की बता दी है, कुछ ज्यादा तो नहीं था। आप इसका इजीली यूज कर पाएंगे जब आप इसको डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशंस को। डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, आप जाके डाउनलोड कर लेना या फिर आप इसे प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेना, मैं इसका प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूं। सो बस गाइस ये थी आज की वीडियो, बहुत बहुत थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।